हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्पॉटलाइट। तो गाइस, आप सभी के लिए मैं आज लेके आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या डिस्कशन हमारी रहने वाली है इस वीडियो की। एग्जामिनेशन आपका हुआ अभी हाल ही में, तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इंतजार कर रहे हैं बच्चे जो जून के लिए अटेम्प्ट देना चाहते हैं। एंड जो स्टूडेंट्स अभी अपने पीजी में हैं, उनके मन में एक डाउट है कि मैम हम कब दे सकते हैं नेट एग्जामिनेशन। एज यू ऑल नो कि आपके लिए मेंशन किया गया है कि आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपको 55% मार्क्स लेने हैं अपनी मास्टर्स में, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। तो बट यहाँ पे एक चीज आती है कि आप पीजी अपियरिंग में भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करते हुए चलेंगे। और जिनका भी एग्जामिनेशन हुआ और उन्होंने क्रैक कर लिया है नेट और जेआरएफ, तो उनको ऐसा चाहिए कि अब उनको सर्टिफिकेट कब तक मिलेंगे, क्योंकि वो आगे असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एंड दूसरा, जिनको जेआरएफ मिला है वो रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको ये सर्टिफिकेट्स चाहिए। कहीं भी एडमिशन लेना है तो उनको अटैच करने होते हैं। और एक और साथ ही साथ एक चीज आ रही है कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी नेट एग्जामिनेशन में, तो इन सभी के बारे में डिस्कशन करते हुए चलेंगे, डिटेल से समझते हुए चलेंगे कि किस तरीके से एग्जामिनेशन होगा और कैसे आप उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस टारगेट करने होंगे कि आप कट ऑफ को क्लियर कर सकें, और क्या लास्ट टाइम जो भी फेब में एग्जामिनेशन हुआ इसमें क्या कट ऑफ रही है, ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिले कि किस तरीके से आपको टारगेट करना है जून एग्जामिनेशन को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास टारगेट होता है तो आप अच्छे से उस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ सकते हैं। और डेट्स हमारे पास ऑलरेडी है, एज यू ऑल नो जब फेब के लिए डेट्स आई थी तो तभी जून एग्जामिनेशन की भी डेट्स अनाउंस कर दी गई थी। जो यूजीसी के चेयरमैन है उन्होंने डेट्स अनाउंस कर दी थी कि 13th of June से 22nd of June 2023 तक आपके नेट के एग्जामिनेशन है जो होने वाले हैं फॉर जून 2023। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन हर एक चीज को कि कब फॉर्म आएंगे, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, और कैसे कैसे जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप पीजी अपियरिंग में हैं। तो भी जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा नाम है आयुषी और मैं आपके लिए यहाँ पे पेपर वन एंड पेपर टू की क्लासेस कंडक्ट करती हूँ। जेआरएफ अड्डा पे एडुकेटर हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कॉमर्स के लिए। हाल ही में अभी लास्ट टाइम जो नेट हुआ था नवंबर 2022 में, तो उसको मैंने क्लियर किया है 99.88% के साथ। तो कॉमर्स की एंड पेपर वन की क्लासेस आपके लिए मैं लेके आती हूँ इस चैनल पे। और जेआरएफ अड्डा हमारी जो एप्लीकेशन है वहां पे भी बैच रन होता है, तो आप एटम बैच में भी एनरोल हो सकते हैं। एज यू ऑल नो जून का एग्जामिनेशन अब 50 days है हार्डली हमारे पास, तो किस तरीके से हमें पढ़ना है, क्या क्या चीजें हमें हेल्प कर सकती हैं। एक स्ट्रक्चर्ड वे आपको बहुत हेल्प कर सकता है अगर आप उसमें पढ़ते हो। एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको क्लासेस मिल जाती हैं, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी अपनी पेज पे, आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं, वीडियोस को कवर कर सकते हैं जो भी पोर्शन आपको कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अभी फेब का एग्जामिनेशन दिया था, कुछ कमियां हैं उन कमियों को दूर कर सकते हैं, और जो बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। एक स्ट्रक्चर्ड वे आपको मिल जाएगा। कॉमर्स की क्लासेस मैं लेती हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कॉमर्स के लिए। और अगर आप किसी और पेपर टू से हैं तो ये डिफरेंट 8 पेपर 2s में हम डील करते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, फीस आपके सामने है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग आर बैच, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आप जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। काफी कम टाइम है, बट ये अच्छा टाइम है जहां पे आपको अगर चीजें ऑलरेडी मिल जाएंगी तो आप उनका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं सारी की किस तरीके से आपका यहाँ पे जो फॉर्म्स हैं वो कब आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है स्टूडेंट्स को। जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनका मन यहीं पे अटका हुआ है कि फॉर्म्स कब आएंगे, ताकि फॉर्म्स आए हम फिल करें फिर हम तैयारी स्टार्ट करें। तो देखिए, ऐसा रहता है जब भी आपके कोई एग्जामिनेशन होना होता है तो उसके 1 month prior, ऑलमोस्ट 1 month prior आपके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म है जो आउट हो जाते हैं। तो अभी एग्जामिनेशन फॉर्म आने में लगेगा समय, 20 से 25 दिन है आपके पास, तो अभी आप प्रिपेयर करने पे फोकस करिए रादर कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म्स के बारे में सोच रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो जाएंगे और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मिड मई तक आपको फॉर्म्स मिल जाएंगे जून 2023 के लिए। क्लियर, तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि जून 2023 के लिए आपके जो फॉर्म्स हैं वो मई तक आउट हो जाएंगे। एंड आपको मैं और चीज एक यहाँ पे बताना चाहूंगी, फॉर्म आउट हो जाएंगे, फॉर्म आप फिल कर सकते हो, आप 2 तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हो, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। फीस बिल्कुल आपकी सेम रहती है, जो कि यूआर कैटेगरी की है या फिर कोई रिजर्व कैटेगरी की है, वो उस अकॉर्डिंग आपको फीस पे करनी होती है। बट 2 तरीके से ये फॉर्म फिल किया जाता है, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ बोथ, फॉर बोथ। तो यहाँ पे आपको, अगर आप एज आपकी है कि आप जेआरएफ के लिए अपीयर कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, तो आपको एपी और जेआरएफ दोनों के लिए फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ जेआरएफ की भी,
तो आपको जेआरएफ अवॉर्डी भी आप बन जाओगे, जेआरएफ भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपने एपी ही फॉर्म फिल किया है, फॉर्म में एपी फिल किया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, तो आप अगर जेआरएफ की कट ऑफ भी क्लियर करते हो फिर भी आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा। तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि कौन कौन लोग हैं जो इस फॉर्म के लिए, जो ये एग्जामिनेशन है उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको मास्टर्स करनी है विद 55%। बट यहाँ पे एक और चीज है, उन्होंने ये भी चीज मेंशन की हुई है कि आप अगर अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर में हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट एक और चीज यहाँ से निकल के आती है, जब उन्होंने ये चीज मेंशन किया कि आप फाइनल ईयर में फॉर्म फिल कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं, वहां पे एक चीज निकल के आई थी कि आपको क्या है, जब आपका नेट का रिजल्ट आता है उस डे से आपको कंप्लीट 2 ईयर्स का टाइम पीरियड मिलता है जिसमें आप अपनी मास्टर्स को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगर बात करूं मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारी जो मास्टर्स होती है वो 2 साल की रहती है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स मेनली आपका 2 ईयर्स का होता है। तो इसमें क्या चीज है, आप अगर आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, फिर फॉर्म फिल करेंगे, फिर एग्जामिनेशन होगा, तो लगभग 5 से 6 महीने का समय आपका निकल जाएगा। फिर उसके बाद जब रिजल्ट आएगा, अगर आपका नेट क्लियर हो जाता है तो भी उसके बाद आपको 2 ईयर्स का टाइम मिलेगा। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे जो सेमेस्टर्स हैं क्लियर कर लोगे, तो आप क्या कर सकते हैं, इस एग्जामिनेशन की नेट सर्टिफिकेट आपका क्या रहेगा, वैलिड रहेगा और आपका ये नेट क्वालिफाई हो जाएगा। साथ ही साथ जैसे ही आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, आप जॉब रेडी हो जाओगे और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छा चांस है। जो भी स्टूडेंट्स अभी अपने मास्टर्स में हैं और उनको लगता है कि अब आगे क्या करना है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा चांस रहता है कि जैसे ही आप अपनी मास्टर्स में एंटर करते हो, नेट के लिए भी प्रिपेयर करो, नेट क्लियर करो, मास्टर्स कवर करो, कंप्लीट करो, एंड आप जॉब रेडी हो जाते हो साथ ही साथ। फिर इसमें बात करते हैं कि अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अब जेआरएफ देना चाहते हैं, क्या वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखिए जेआरएफ के लिए क्या रहती है, लिमिट रहती है आपकी। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, यूआर कैटेगरी से मेल कैंडिडेट हैं, तो आपके जो एज रहती है वो 30 ईयर्स होती है फॉर जेआरएफ। 30 ईयर्स के बाद आप जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे रिजर्वेशन दी जाती है किनको, जो भी बाकी अदर कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि आपकी जो रिजर्व्ड कैटेगरी से एसटी हैं, एससी हैं, ठीक है, ओबीसी हैं, ये जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, प्लस जो विमेन कैंडिडेट्स हैं, उन सभी को क्या मिलती है, रिजर्वेशन मिलती है। और 5 ईयर्स का यहाँ पे उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है, उनकी एज हो जाती है जेआरएफ के लिए 35 ईयर्स। तो अगर आप अभी इस एज लिमिट में हैं तो आप जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिए जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती हैं। तो अगर आपकी एज है तो आप जेआरएफ के लिए जरूर अप्लाई किया करो एंड तैयारी उसके लिए किया करो, क्योंकि जेआरएफ के अलग बेनिफिट्स हैं, वो मैंने डिस्कस किए हुए हैं, तो आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पर जाके। चलिए एलिजिबिलिटी में मैंने आपको बता दिया कि आपकी एज क्या है। अब यहाँ पे एक और बात करते हैं, वो क्या है कि अब एलिजिबिलिटी में हमने ये चीज डिस्कस की कि आप कब फॉर्म फिल कर सकते हो, बट यहाँ पे कंसर्न आता है बच्चों का कि मैम अगर हमने नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया, फिर हम जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट में फॉर गॉड सेक कि अगर क्या हो जाता है, आपका नेट भी क्लियर नहीं हो पाता, तो क्या वो नेट एग्जामिनेशन हमारा वैलिड रहेगा, नेट सर्टिफिकेट? तो ये चीज आप ध्यान रखिए, नेट सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम वैलिड रहता है। वंस यू क्लियर नेट, तो वो लाइफ टाइम रहेगा आपके साथ, आप नेट लाइफ टाइम क्लियर माने जाओगे कि आपने क्वालिफाई किया है। जहां तक जेआरएफ की बात है, तो जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है वो 3 ईयर्स के लिए ही वैलिड रहता है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात बताऊं, मैंने नवंबर 2022 में जेआरएफ क्लियर किया, तो ये जो सर्टिफिकेट है, जो जेआरएफ अवार्ड है मेरा, कब तक वैलिड रहेगा, ये वैलिड रहेगा नवंबर 2025 तक। अगर मैं इसको यूज करके पीएचडी में एडमिशन ले लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या है, मुझे एडमिशन मिल जाएगा और मैं एलिजिबल हो जाऊंगी, यूजीसी की स्टाइपेंड मिलती है जो उसके लिए रिसर्च में। बट अदरवाइज अगर मैं नहीं इसको इनकैश करवाती हूँ, या फिर मैं नहीं कहीं पे रिसर्च में काम करने लगती हूँ, या पीएचडी में एडमिशन लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, एंड उसके बाद मुझे दोबारा से जेआरएफ क्लियर करना होगा, अगर मुझे यहाँ पे जेआरएफ का बेनिफिट लेना है, यूजीसी से स्टाइपेंड लेना है फॉर रिसर्च। इस चीज का खास ध्यान रखेंगे। इनिशियली क्या होता था, ये 2 ईयर्स के लिए होती थी, अब इसको बढ़ा के 3 ईयर्स का टाइम पीरियड कर दिया गया है, क्लियर। अब उसके बाद जिन्होंने एग्जामिनेशन क्रैक किया इस बार फरवरी 2023 का,
उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए सर्टिफिकेट्स, क्योंकि उन्होंने आगे जाके अब इसका यूज करना है नेट के लिए, जॉब के लिए और जेआरएफ में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। तो ये देखिए जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो जल्द ही रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ये आपकी ईमेल पे आएंगे, या ध्यान रखेंगे मतलब ईमेल पे क्या कि आपको वेबसाइट पे जाना होगा एनटीए की और वहां से डाउनलोड करना होगा। ये बाय पोस्ट नहीं दिए जाते हैं, इनिशियली दिए जाते थे, अब ये ई सर्टिफिकेट के तौर पे ही आपको मिलते हैं। आपको इनको डाउनलोड करना है और आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं एज यू विश, अदरवाइज आजकल क्या है डिजी लॉकर में ही इनको रखा जाता है, तो ये कभी भी पोस्ट नहीं होता है। ये डाउट भी मैं देख रही थी, काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम कब आएगा हमारे घर हमारा नेट सर्टिफिकेट, तो आपको उनकी वेबसाइट से जाके ही डाउनलोड करना होगा और जल्द ही ये रिलीज हो जाएंगे। अगर इस दौरान आप कहीं पे एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो या किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं और अपना जो स्कोर कार्ड आपको मिला है वो अटैच कर सकते हो, तो आपको का वो कंसीडर कर लिया जाएगा क्योंकि आपने एग्जामिनेशन क्लियर तो कर लिया है। जब वो आपकी कोई एडवर्टीजमेंट आई है और आप उसके लिए अप्लाई करना जा रहे हो, कोई वैकेंसी है या कोई पीएचडी प्रोग्राम है उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जा रहे हो, तो ये चीज आपकी माननीय हो जाएगी। जो आपका स्कोर कार्ड है वो आप दिखा दोगे, ठीक है, तो वहां पे ये चीज कंसीडर कर ली जाएगी और ये जल्दी आ जाएंगे। और जब आ जाएंगे, जब इंटरव्यू होता है तो आप अपनी हार्ड कॉपी है, अपनी सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी जैसे भी आप उनको शो कर सकते हो कि आपका नेट का सर्टिफिकेट और जेआरएफ अवार्ड लेटर आपके पास है। क्लियर, ये डाउट आई होप क्लियर हो गया हो। और अब आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं इजिली, आप अपना स्कोर कार्ड दिखा सकते हैं और एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि अभी तक नेट ने रिलीज नहीं किए हैं जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, और इसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, ये जो प्रोविजनल आपका स्कोर कार्ड आया है बेसिकली वो आप अटैच कर रहे हो। अब यहाँ पे देख सकते हो ये नेट का सर्टिफिकेट है एंड ये जेआरएफ अवार्ड लेटर है जो मैंने क्लियर किया था तब मुझे यहाँ पे मिले थे, तो ये मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का नेट सर्टिफिकेट होता है और इससे ऐसा जेआरएफ अवार्ड लेटर होता है। फिर इसके बाद एक जो कंसर्न है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। ये चीज बहुत ज्यादा आ रही है न्यूज, मतलब सुनने को मिल रही है कि नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है और नेगेटिव मार्किंग जून एग्जामिनेशन के लिए भी नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो आपको पहले ही बता दिया जाएगा और काफी सारा टाइम होता है, लगभग 5 से 6 महीने, जो आपको पहले से ही प्रायरली बताया जाता है कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है या नहीं होने वाली है। बुलेटिन जो भी आया था 2022 में उसमें क्या चीज थी वो बताया गया था, जो जो चीजें चेंजेस हुई हैं वो सारी चीजें, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। तो अभी फिलहाल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसको मत अपने मन में जाने दीजिए कि नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग होने ना होने से आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी लेनी है और अपने एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, बट अभी के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप यहाँ पे रिलैक्स हो सकते हैं। फिर इसके बाद और चीजें भी माइंड में आती हैं बच्चों के कि मैम क्वालिफाई करते हैं हम एग्जामिनेशन, वहां पे लिखा हुआ है कि आपको 120 मार्क्स चाहिए, ठीक है, 120 मार्क्स पे आप क्वालिफाई कर लेते हो, और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ 35% मार्क्स ही चाहिए, अनरिजर्व को 40% चाहिए, रिजर्व को 35% चाहिए, तो हम इतना एग्जामिनेशन में इतना तो स्कोर कर लेते हैं फिर भी हमारा नेट क्यों नहीं क्लियर होता। देखिए क्या चीज रहती है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है कि अगर आप इतने मार्क्स भी नहीं लेके आते हो तो आप तो उस रेस से ही बाहर हो जाते हो कि किनका सिलेक्शन होगा, आप पहले ही यहां से आउट हो जाओगे। इसका ना एक और रेलिवेंस है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपके क्या होती है, हर एग्जामिनेशन में डिफरेंट रिजर्वेशन होती है और कैटेगरीज होती है। रिजर्वेशन क्या है कि आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल आपके 32% मार्क्स आते हैं, क्लियर, आप एसटी या एससी कैटेगरी से, कोई रिजर्व कैटेगरी से थे, आपके 32% मार्क्स आते हैं, बट आपको चाहिए कितने, 35% मार्क्स चाहिए, और आपके यहाँ पे जितनी रिजर्व सीट्स थी उसमें स्पेस है, मतलब जगह है, आप आ सकते हो वहां पे, बट आपने क्योंकि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया पूरा नहीं किया है तो भी आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद कट ऑफ होती है, वो कट ऑफ क्या होती है कि आउट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया किया है, क्लियर, ठीक है, 120 मार्क्स या 35% मार्क्स अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपने वो क्लियर कर लिया है, अब क्या होता है टॉप कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है इसका रिजल्ट 6% रहता है ऑलमोस्ट, जितने अपियर हुए या फिर ठीक है टोटल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका 6% रहता है। तो अब 120 मार्क्स से ज्यादा तो शायद 40% स्टूडेंट्स के मार्क्स हों जिन्होंने अपियर किया था एग्जामिनेशन में, 40% से ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने 120 मार्क्स स्कोर कर लिया है, तो अब इसमें से क्या होगा टॉप 6% सिलेक्ट किए जाएंगे, और जो टॉप 6% होंगे, जिस स्टूडेंट का सबसे लास्ट सिलेक्शन होगा उसके जो मार्क्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कट ऑफ, कि इतने मार्क्स पे लास्ट सिलेक्शन हुआ है तो इतने से ज्यादा नंबर जिसने स्कोर किए उसका एग्जामिनेशन क्लियर हो गया,
और जितनों ने इस नंबर से कम स्कोर किया उनका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ है, उन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं किया है। ये चीज रहती है यहाँ पे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बात करूं कि इस बार कितना क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहा है, कितना कट ऑफ रहा है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया तो 120 है अनरिजर्व के लिए, ठीक है, और आपका अगर रिजर्व कैंडिडेट है तो आपको 300 में से 35% मार्क्स लेने हैं। बट अगर मैं बात करूं कि कितना कट ऑफ रहा है कॉमर्स की, अगर हम बात करें तो कॉमर्स का दो शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो कट ऑफ किस में आई है, परसेंटाइल में आई है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि परसेंटाइल में अगर कट ऑफ आई है तो कितनी जेआरएफ की कट ऑफ रही है और कितनी नेट की, समझने की कोशिश करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन से, क्योंकि परसेंटाइल आपको कोई आइडिया नहीं देता है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको एक बेसिक आइडिया देंगे। तो अगर मैं जेआरएफ की बात करूं तो यहाँ पे जो कट ऑफ गई है वो देखने को मिली है कि 202 नंबर पे 202 प्लस पे आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की क्या गई है, कट ऑफ गई है। तो आपको ये मेक श्योर करना होगा 202 से 204 है, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं पता लगा क्योंकि परसेंटाइल में डेटा होता है। तो यहाँ पे 202 और 204 मतलब आपको 101 या 102 क्वेश्चन तो एटलीस्ट क्या करने हैं, सही करने ही होंगे अगर आप चाहते हो जेआरएफ क्वालिफाई करना, जेआरएफ क्रैक करना है तो इतना स्कोर करना पड़ेगा। और अगर मैं नेट की बात करूं तो नेट के लिए ऑलमोस्ट आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे 90 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने ही है। इस बार थोड़ा ज्यादा गैप रहा है नेट और आपका जेआरएफ में, तो यहाँ पे आपको ये चीज लेके चलनी है कि अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हो यूआर कैटेगरी से तो 90 प्लस, और अगर आप जेआरएफ क्रैक करना चाहते हो तो 150 क्वेश्चन में से 101 क्वेश्चन या 102 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, इतना टारगेट आपको लेके चलना होगा। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, जान लगा दीजिए इस बार कि इस बार हमें अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन क्रैक करना है, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है ये आपकी जर्नी आगे वाली, जो आप पीएचडी करना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, उसको काफी स्मूथ और इजी बना देगा। अदरवाइज आप इसी में ही घूमते रहोगे, इसी में ही फंस के रह जाओगे, तो थोड़ी जर्नी डिफिकल्ट हो सकती है। तो एफर्ट्स करने की नीड है, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, ध्यान से इन चीजों को समझिए, क्या कॉम्पिटिशन है उसको समझने की कोशिश करिए एंड उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए, सिलेबस डाउनलोड करके अच्छे से समझिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, PYQs एनालाइज करिए, तो आप इस क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को इजिली क्रैक कर लोगे और कट ऑफ को भी इजिली क्रैक कर लोगे। क्लियर, कॉम्पिटिशन टफ है बट आप स्ट्रेटेजिकली लेके चलोगे चीजों को, प्लान अच्छे से करोगे तो आप इजिली क्वालिफाई कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं है तो आप अच्छे पोजिशन में हो, इस बार कर लो, शायद नेक्स्ट टाइम से नेगेटिव मार्किंग आ जाए तो और थोड़ा और कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेते हुए अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, और अगर आप जुड़ के पढ़ना चाहते हो तो एटम बैच रन हो रहा है तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। जल्द ही रिवीजन सीरीज भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी, तो रिवीजन सीरीज में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, मैराथन सेशंस में आपको ये हेल्प हो जाएगी कि आपका जो रिवीजन है एक यूनिट का वो काफी जल्दी जल्दी हम कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, रिवीजन आपकी अच्छी हो जाती है, टॉपिक भी कवर होते हैं एंड साइड बाय साइड आपको क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाती है, जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। एंड देन इसके साथ साथ मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलती रहेगी। तो ये हमारी फीस है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हो, एंड वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, आपको क्लासेस वहां पे भी शो हो जाएंगी, ठीक है, तो आप सब्सक्रिप्शन लेना कंसीडर कर सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो जरूर लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं पेपर वन एंड पेपर टू की क्लासेस भी आपके लिए लेके आती हूँ, जो डेली रहती है 9 बजे फॉर पेपर वन एंड 8 बजे फॉर पेपर टू। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, बाय बाय।